ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ର ଗୋସ୍ବାମୀ ମହାରାଜ ବୋଲତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଯତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏସେଛେ তিনি প্রভুপাদ বিষয়ে বলতে পৃথিবীতে এপর্যন্ত যত আচার্য এসেছে তাদের অবদান বৈশিষ্ট্য তাদের যদি এক দিকে করে দেওয়া হয় প্রভুপাদের অবদান বৈশিষ্ট্য যদি এক দিকে করে দেওয়া হয় তিনি বলতেন প্রভুপাদের যে পালা ভারী হবে ও কাহা করতে থে অভি তক জিতনে বৈষ্ণব আয়ে হে अगर उनका अवदान जगत में जो कुछ दिए हैं अगर एक तराजू लेकर के एक तरफ में कर दिया जाए प्रभुपाद का जो अवदान वैशिष्ट अगर दूसरे तरफ में कर दिया जाए तो प्रभुपाद का पल्ला भारी पड़ेगा। इतने बड़े बात मतलब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज क्या करते थे, कभी कभी मेरे मन में शंका हो जाता था पर ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तक जितने आचार्य आए हैं वो सबको एक तरफ में इन्हीं का आचार्य ऐसे कैसे। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि जो प्रभुपाद कौन है बोले ये नयनमणि मंजरी, ये कौन है श्री नयनमणि मंजरी मतलब राधा जी की जो नयन है उसमें जो पुतला है वो स्वरूप कौन इसलिए प्रभुपाद है। इसलिए कहते हैं ना हाँ कहते ना मुनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वस्त्र पंकजे निकुंज भूमि लासिनी प्रजेंद्र भानु नंदिनी प्रजेंद्र सुन संगते कदा करी सती हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। कहते प्रभुपाद कौन है बोले कृपा कटाक्ष बोले राधा जी की जो कृपा जो कटाक्ष भी इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। इसलिए कहते त्रिलोक शोक हारिणी उनकी जो कृपा कटाक्ष है और तीन लोगों का जो शोक जो दुख को दूर करने वाले कौन है बोले ये प्रभुपाद ही राधा जी कृपा कटाक्ष। हम सब कहते हैं ना कृपा दृष्टि करना प्रभु प्रभुपाद है और राधा जी की कृपा कटाक्ष। अब राधा जी अगर कृपा कटाक्ष हो फिर इनको साथ किसके बराबर कर सकते फिर मेरी चीज को फिर कंप्रोमाइज क्या नहीं। ये बात सही बात है मेरे मन में जो शंका होती थी इसलिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे प्रभुपाद दो दृष्टि से कहते एक दृष्टि साधारण लोग का दृष्टि से एक है लेकिन मेरे गुरुदेव का तो विशेष दृष्टि में एक है। बोले साधारण दृष्टि में ये कौन है इसलिए कहते हैं ना कहते नाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नाम प्रभुपाद की प्रभुपाद की। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं साधारण दृष्टि से प्रभुपाद कहते हैं साधारण दृष्टि से इनको लोग क्या मानते हैं कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती। कहते उसी समय का जितने विद्वान थे जितने बड़े बड़े विद्वान थे जय श्री प्रभुपाद की जय Thank you.
देखो प्रभुपाद हमारे पिता है, अगर ये नहीं आते ना इतने आनंद कभी होता ही नहीं। इनकी कृपा से ये सारे आनंद आ रहा है। एक वैष्णव भी ये कह रहे थे अगर ये प्रभुपाद नहीं आता है ना ये पृथ्वी नहीं रहता, क्योंकि भगवान इसलिए जगत को पृथ्वी पर रखे हैं क्योंकि अभी कोई भजन कर रहे हैं। जब भजन नहीं करेंगे आपको पता होगा तब से तो आटम बम बना करके रखे। ये प्रभुपाद की वजह से अभी दुनिया में लोग सबसे तो प्रभुपाद की वजह से अभी ये दुनिया क्या हुआ आप भजन कर रहे हैं। इसलिए हमारे मूल पिताजी ने इसलिए सबसे जो छलांग लगा करके जो जितने जोर से छलांग लगाएगा ना उतना ज्यादा कृपा मिलेगा।
বলছে।